नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद कैम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएनसी मशीन या सीएनसी लेज़र कटिंग मशीन के बेड स्ट्रक्चर के बारे में। आपने देखा होगा कुछ सप्लायर बोलते हैं कि हमारा प्लेट फैब्रिकेटेड बेड है या वेल्डेड प्लेट का बेड है, कुछ सप्लायर बोलते हैं कि हमारा वेल्डेड ट्यूब का बेड है, जबकि कुछ सप्लायर बोलते हैं कि हमारा कास्ट आयरन का बेड है। तो इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे कि इन हर तरह के बेड में क्या डिफरेंस होता है, कॉस्टिंग में, स्टेबिलिटी में, स्ट्रक्चर में, या और भी क्या डिफरेंस होता है, और आप कौन सा बेड कब चूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी आपका बेड टाइप चूज़ करने के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैब्रिकेटेड वेल्डेड स्ट्रक्चर और कास्ट आयरन स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जितने भी वेल्डेड टाइप के बेड होते हैं या फैब्रिकेटेड टाइप के बेड होते हैं, वो या तो स्टील की प्लेट्स को या फिर स्टील की ट्यूब्स को आपस में वेल्ड करके बनाए जाते हैं। वहीं कास्ट आयरन का बेड एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है जिसको सांचे में कास्ट आयरन पोर करके बनाया जाता है। तो जो वेल्डेड बेड होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों को वेल्ड करके बनते हैं, वहीं कास्ट आयरन बेड एक सिंगल स्ट्रक्चर है। तो अब सिंगल स्ट्रक्चर होने का फायदा ये है कि उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी रहती है और उसमें डिफॉर्मेशन के चांसेस कम होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि डिफॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी किसमें क्या होती है, क्योंकि जब कोई मटेरियल वेल्ड होता है तो एकदम से सडनली बहुत हाई टेम्परेचर वेल्डिंग पॉइंट्स पे आ जाता है। इससे क्या होता है, जैसे जैसे मटेरियल ठंडा होता है तो उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। इस स्ट्रेस की वजह से मटेरियल धीरे 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 ओवर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बेंड करता है या डिफॉर्म होता है। तो ये डिफॉर्मेशन एक दो दिन में ना होके साल भर चलती है। तो जो आपका वेल्डेड बेड होगा वो धीरे 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 आउट ऑफ शेप या डिफॉर्म हो सकता है। तो उसके लिए जितने भी फैब्रिकेटेड बेड हैं उनको टेम्परिंग करी जाती है। टेम्परिंग करने से फ़ायदा क्या होता है कि जो स्ट्रेस वेल्डिंग पॉइंट्स पे थे वो रिलीव हो जाते हैं, और जो काम धीरे धीरे एक दो तीन साल में होता था वो तीन चार दिन में, टेम्परिंग के बाद ठंडा होने के तीन चार दिन में वो वाली प्रोसेस पूरी हो जाती है, डिफॉर्मेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो आपको हमेशा नोट करके रखना है कि अगर आप फैब्रिकेटेड बेड ले रहे हैं तो वो टेम्पर्ड जरूर हो। वहीं कास्ट आयरन का बेड क्योंकि सिंगल पीस है और सिंगल टेम्परेचर पर पोर किया गया, एक साथ ठंडा हुआ मटेरियल है, तो उसमें इस तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता, इसी वजह से उसकी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है। तो वो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कभी भी आउट ऑफ शेप नहीं जाएगा। तो अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं, क्योंकि जो कास्ट आयरन के सांचे हैं उनको एक बार सांचे में डालने के बाद वो सांचे को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि बेड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि आप सांचे को ओपनिंग क्लोजिंग वाला सांचा नहीं बना सकते हैं। तो जितने भी कास्ट आयरन के बेड बनते हैं उनके लिए एक बार एक सांचा बनता है और उसके बाद उस सांचे को तोड़ना पड़ता है। इसकी वजह से जो कास्ट आयरन बेड बनाने की जो कॉस्ट है वो वेल्डेड बेड बनाने की कॉस्ट की बजाय लगभग डेढ़ गुना ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि अगर 3000 किलो का फैब्रिकेटेड बेड है और 3000 किलो का कास्ट आयरन का बेड है, तो जो कास्ट आयरन का बेड होगा वो फैब्रिकेटेड बेड से लगभग डेढ़ गुना ज़्यादा कॉस्टली होगा। वहीं जो कास्ट आयरन के बेड होते हैं वो नॉर्मली भी हैवी बनाए जाते हैं, क्योंकि लाइट स्ट्रक्चर में कास्टिंग करने से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए कास्ट आयरन के बेड की कीमत जो फैब्रिकेटेड बेड है उससे दो तीन गुना ज़्यादा हो सकती है। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा फैब्रिकेटेड बेड मान लो 2000 किलो का फैब्रिकेटेड बेड है, वहीं अगर सेम बेड कास्ट आयरन में बनता है, क्योंकि थोड़ा सा हैवी बनाना पड़ता है, तो उसका वजन हो सकता है 3000 किलो, और वहीं कास्ट की प्रोसेस की वजह से भी डेढ़ गुना कीमत में फर्क पड़ गया। तो एक तो मटेरियल डेढ़ गुना लगा, उसके बाद कीमत भी डेढ़ गुना हो गई। तो ऐसा करके वो वाला बेड हो सकता है ढाई गुना महंगा हो जाए। मतलब अगर नॉर्मल कास्ट आयरन का बेड 2 लाख रुपए का है, तो नॉर्मल फैब्रिकेटेड बेड मान लो 2 लाख रुपए का है, तो हो सकता है कास्ट आयरन के खाली बेड की कीमत ही उससे ढाई गुना मतलब 5 लाख तक पहुंच जाए। तो कास्ट आयरन फैब्रिकेटेड बेड में एक तो हमें वजन का अंतर मिलेगा और इसी तरह से कीमत का भी अंतर मिलेगा। आप वजन के हिसाब से कीमत का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कीमत में कितना अंतर होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल
एमएस की कॉस्ट से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमें दोनों बेड का वजन लेना है और कास्ट आयरन का बेड लगभग डेढ़ गुना महंगा होगा। तो इस तरह से आप कीमत में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि एकदम से अच्छे से उसके क्रिस्टल अरेंज होते हैं तो वो वाइब्रेशन बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्ब करता है, वहीं जो फैब्रिकेटेड बेड होता है वो वाइब्रेशन उतने अच्छे से ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसी वजह से जो कास्ट आयरन का बेड होता है अगर उसमें फास्ट मूविंग टूल लगा है, जैसे कि हमारी हाई पावर की लेजर है जिसकी एक्स वाई जेड मूवमेंट बहुत ही फास्ट है, तो उसके वाइब्रेशन हो सकता है कि मेरा जो फैब्रिकेटेड बेड है वो अच्छे से ना संभाल पाए, और इस वाइब्रेशन होने से क्या होगा कि जो मेरी हेड की पोजीशन होगी वो भी वाइब्रेट करेगी। जैसे कि मैं थोड़े कांपते हुए हाथों से लिख रहा हूँ, तो इससे हो सकता है कि मेटल की जो फिनिश है उसमें थोड़ी सी डिफॉर्मेटीज दिखें अगर मेरा टूल बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे मेरा सीएनसी राउटर है या कोई और लो स्पीड का टूल है या कम पावर की लेज़र है, तो वहाँ पे ये फ़र्क बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो अब हमने ये जाना कि कास्ट आयरन का बेड वाइब्रेशन कम करता है या कंपेरेटिवली बहुत कम करता है, वहीं अगर मेरा टूल स्लो है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मेरे वाइब्रेशन आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट ही नहीं होंगे अगर मेरा टूल बहुत ही स्लो है, क्योंकि स्लो टूल की वाइब्रेशन कम होगी जिसको कि मेरा फैब्रिकेटेड बेड भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। तो अब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी के अब हम दो पॉइंट्स मेन लेते हैं, एक तो कि मेरे बेड में डिफॉर्मेशन आ रही है, तो ये बात अगर मैं अपने फैब्रिकेटेड बेड को, पहले हम फैब्रिकेटेड बेड की बात करते हैं, अगर मैं अपने फैब्रिकेटेड बेड को सही से टेम्पर करके यूज़ करता हूँ तो डिफॉर्मेशन के चांस बहुत कम हो जाते हैं, हालांकि फिर भी थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आएगी ही। इसी तरह से कास्ट आयरन में एज सच डिफॉर्मेशन नहीं आती है, लेकिन जो उसकी थर्मल एक्सपेंशन है वो कास्ट आयरन के बेड का भी और फैब्रिकेटेड बेड का भी सिमिलर ही होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कास्ट आयरन का बेड है वो अच्छा परफॉर्म करेगा टेम्परेचर वेरिएशन में, लेकिन इस मामले में कास्ट आयरन का बेड को थोड़ी सी एडवांटेज होती है, क्योंकि कास्ट आयरन बहुत ही यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करेगा, जबकि क्योंकि उसमें वेल्डिंग है और मटेरियल यूनिफॉर्म नहीं है, तो हो सकता है कि जो मेरा फैब्रिकेटेड बेड है वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाए एक्सपेंशन के साथ भी, तो टेम्परेचर से भी एक्यूरेसी में वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन वो वाले वेरिएशन जो फैब्रिकेटेड बेड है या जो प्लेट स्ट्रक्चर का बेड है उसमें ज़्यादा होंगे बनिस्पत कास्ट आयरन के बेड में। उसके अलावा जैसे हमने बात करी कि वाइब्रेशन भी कास्ट आयरन का बेड अच्छे से लेता है, तो एक्यूरेसी के मामले में जो कास्ट आयरन का बेड है वो हमेशा विनर होता है, लेकिन हमने देखा कि कास्ट आयरन की बेड की कॉस्ट भी हाई होती है। तो हमने मोटे मोटे डिफरेंस बताए कि कास्ट आयरन के बेड में और फैब्रिकेटेड बेड में क्या मोटे मोटे डिफरेंस है। अब हम आपको हेल्प करेंगे कि आपको बेड कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो जैसे हमने बताया कि एक एडवांटेज है वाइब्रेशन का कि कास्ट आयरन में वाइब्रेशन कम होती है, दूसरा डिफॉर्मेटीज़ का, डिफॉर्मेटीज़ कास्ट आयरन में रिलेटिवली बहुत ही कम होंगी। तो अब आप बेड का चुनाव कैसे करें, मान लो आपकी लो पावर की सीएनसी मशीन है जिसमें कि एक्स वाई जेड मूवमेंट बहुत ही स्लो है या रिलेटिवली बहुत ही स्लो है, तो वाइब्रेशन कोई पैदा ही नहीं होगा, तो आप उस केस में फैब्रिकेटेड बेड चूज़ कर सकते हैं, या आपका सीएनसी राउटर है जो कि बहुत स्लोली मूव करता है तो उस केस में भी आप जो फैब्रिकेटेड बेड यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहुत हाई पावर की मशीन है जहाँ पर टूल की मूवमेंट बहुत ही फास्ट है तो आपको कास्ट आयरन का बेड ही चूज़ करना चाहिए। तो हमने ये जाना कि अगर मेरी मशीन लो पावर की है, लो स्पीड में मेरा टूल मूव हो रहा है तो एक्स वाई जेड मूवमेंट बहुत ही स्लो है, तो उस केस में मैं फैब्रिकेटेड बेड यूज़ कर सकता हूँ। वहीं अगर मेरा टूल बहुत हाई स्पीड है, हाई पावर है, तो उस केस में मेरे को कास्ट आयरन का बेड ही यूज़ करना चाहिए। तो नॉर्मली सीएनसी राउटर जिस तरह की मशीन है वो फैब्रिकेटेड बेड में चूज़ करी जा सकती है, वहीं जो लो पावर की मेरी लेज़र कटिंग मशीन है वो लेज़र कटिंग मशीन जैसे 1 kW 2 kW जहाँ टूल की बहुत हाई स्पीड नहीं होती उसके लिए मैं फैब्रिकेटेड बेड यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि अगर मेरी सोर्स की पावर बहुत हाई है और मेरी जो एक्स वाई जेड स्पीड है वो भी, क्योंकि सोर्स की स्पीड के हिसाब से रखनी पड़ती है, तो अगर वो भी बहुत हाई है तो मेरे को कास्ट आयरन का बेड ही यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि हमें कब कास्ट आयरन का बेड यूज़ करना चाहिए, कब हमें फैब्रिकेटेड प्लेट स्ट्रक्चर का बेड यूज़ करना चाहिए। तो
तो दोस्तों हिंद कैम के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हिंद कैम के इस यूट्यूब चैनल पे हम समय समय पे आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको इस तरह की जानकारी में इंटरेस्ट है या आप सीएनसी मशीन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके काम आएगा। वहीं अगर आप सीएनसी मशीन में इंटरेस्टेड हैं, सीएनसी मशीन को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हिंद कैम की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।